हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग डेली गुड सो चिल्ड्रन लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज ज्योग्राफिकल टर्म्स मैच दीज टर्म्स विद देयर मीनिंग्स फर्स्ट आर्क्योपोलॉजी आर्क्योपोलॉजी का मतलब होता है बच्चों अ ग्रुप ऑफ आईलैंड सेकेंड सैंड डून सैंड डून का मतलब होता है अ राइड और माउंट ऑफ लूज सैंड पाइल्ड अप बाय विंड एक्शन ठीक है कभी कभी हवा के चलने से सैंड के क्या बन जाते हैं डूम्स बन जाते हैं नाउ थर्ड ऐसी एसी का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ रिवर माउथ विच इज अफेक्टेड बाय सी टाइट्स। फोर्थ लउस लाउस का मतलब होता है फर्टाइल फाइंड सिल्ट डिपोजिट बाय फिफ्थ सुनामी सुनामी का मतलब होता है बच्चों जापानीज टर्म फॉर अ लार्ज ओशन वेव काउज बाय एन अर्थ क्वैक जब Sun, के अंदर क्या होती है अर्थक्वैक आती है और उसकी वजह से जो लहरें होती है वो काफी विशाल रूप ले लेती है तो उन्हें हम सुनामी कहते हैं फॉल्ट का मतलब है फ्रैक्चर अलोंग विद टू ब्लॉक्स ऑफ लैंड मूव रिलेटिव टू ईच अदर एथ स्तूमस स्तूमस का मीनिंग है स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड ज्वाइनिंग टू लार्जर लैंड एरियाज ठीक है ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड कहलाता है जो कि साइड बाय साइड किससे कवर होता है वाटर से कवर होता है और ये ज्वाइन कर रहा होता है आपके दो बड़े लार्जर लैंड एरियाज को नाइन्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट अब आपको पता है बच्चों आपने साइंस में भी पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कहा जाता है इसमें द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट बाय गैसेस इन द एटमोसफेयर इसमें आपकी सोलर हीट को क्या किया जाता है ट्रैप किया जाता है टेंथ गीजर गीजर का मीनिंग है हॉट स्प्रिंग दैट थ्रोज जेट ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम ठीक है जिसमें आपकी हॉट वाटर की स्ट्रीम होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे गीजर कहते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा आप इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे